आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सेल में, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। अब बात करी जाए कि गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल क्या होता है। हिंदी में भी इसको यही कहेंगे, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल सॉरी कहेंगे। पहला वाला सेल क्या था, जिसपे हम बाहर से एनर्जी देते थे, करंट पास करते थे, तब केमिकल रिएक्शन होती थी। इसमें हमको क्या पढ़ना है, ये जो सेल होते हैं इसमें केमिकल रिएक्शन से, जब केमिकल रिएक्शन होती है तब करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल कहते हैं। मींस इसमें क्या हो जाएगा, द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी is converted to electrical energy called galvanic or voltaic cell। तो मतलब ये हुआ कि ऐसे सेल जिसमें केमिकल रिएक्शन को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या था, इसका एग्जांपल था डेनियल सेल। अब इसमें हम आपको यही बताएंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शन से एनर्जी, कैसे केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो डेनियल सेल में क्या होता है, इसमें करते क्या है, जैसे हमने दो बीकर लिए हैं, ठीक है, इसमें हमने रखा है जिंक का इलेक्ट्रोड और इसमें हमने रखा है एक कॉपर का इलेक्ट्रोड। जिंक को हमने रखा है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर को रखा है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, और इन दोनों को हमने एक इलेक्ट्रिक वायर से जोड़ दिया है। ये एक इलेक्ट्रिक वायर से हमने इसमें जोड़ दिया है। ये हमारा जो है एक्सटर्नल कनेक्शन है, यहाँ पे कोई भी बैटरी का यूज नहीं किया गया है। तो किया क्या है, जिंक को हमने जिंक सल्फेट में रखा है, कॉपर को हमने कॉपर सल्फेट में रखा है, इसको एक मेटल के वायर से जोड़ दिया है। अभी हमारा सेल सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको कंप्लीट करने के लिए इसमें हम लगाते हैं, यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। जो सॉल्ट ब्रिज होता है इसमें हमारा KCl या KNO3 का सोल्यूशन भरा होता है। ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ये जो हमने यहाँ पर यूज किया है ये क्या है, ये है सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये सेल सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, इसके अंदर KCl या KNO3 का सोल्यूशन भरा होता है, ये आयंस का ट्रांसमिशन करता है और सेल सर्किट को पूरा करता है। तो ये हमारा एक डेनियल सेल है। अभी हमको इसमें ना ही एनोड पता है ना ही कैथोड पता है, ठीक है, हमको ये भी नहीं पता कि करंट इसमें कैसे बनेगा। ये हमने केवल सेल का डायग्राम बनाया है, जिंक को जिंक सल्फेट में और कॉपर को कॉपर सल्फेट में रखा गया है और सेल सर्किट को कंप्लीट कर, इसको मेटल के वायर से जोड़ने के बाद इसको क्या किया गया है, सेल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज किया गया है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, आयंस का ट्रांसमिशन करेगा और सेल सर्किट को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तो इस सेल में स्टार्टिंग कैसे होती है, जैसे एक नाम आप लोगों ने हाई स्कूल में सुना होगा, ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इसको इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो हम क्या पढ़ते थे, वो मेटल्स की कुछ सीरीज होती थी, अभी वो सीरीज आगे देखेंगे। तो उसमें क्या होते थे, ऊपर वाले मेटल नीचे वाले को रिप्लेस करते थे। ठीक है, तो जिंक और कॉपर में जो जिंक का प्लेस होता है वो कॉपर से ऊपर होता है,
तो इसमें होगा क्या, जो जिंक है, सबसे पहले जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और जिंक आयंस के फॉर्म में सॉल्यूशन में आएगा, क्योंकि तो जिंक एक एक्टिव मेटल है, इसका प्लेस कॉपर से ऊपर है, तो इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी जो होगी वो ज़्यादा होगी। जो ऊपर के मेटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन रिप्लेस करके, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन रिप्लेस करके जिंक आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में आएगा। तो ये क्या करेगा, जिंक आयंस के फॉर्म में सॉल्यूशन में आएगा। अब जब